मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सो टुडे इन दिस क्लास वी विल स्टार्ट एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन यूजिंग इंटीग्रेशन हाउ वी हैव टू फाइंड एरिया ऑफ डिफरेंट कर्व्स। बेटा वैसे तो इंटीग्रेशन का बहुत ज़्यादा यूज है आगे साइंस और टेक्नोलॉजी में, लेकिन इस टाइम हम लोग जो इसके एप्लीकेशन है उसके अंदर क्या करेंगे, कैसे हमें एरिया फाइंड करना, हाउ वी हैव टू फाइंड एरिया। लेकिन उसके लिए सबसे पहले हमें प्रॉपर एक कर्व या प्रॉपर ग्राफ बनाना आना चाहिए कि ग्राफ कैसे बनाते हैं। अगर आपको ग्राफ वगैरह अच्छे से बनाना आता है देन ओनली यू कैन फाइंड द एरिया। क्लियर? अब कंसेप्ट क्या है वो एक बार समझते हैं। जैसे अगर आपको एरिया फाइंड करना है, सपोज दिस इज योर कर्व, यू हैव टू फाइंड एरिया ऑफ दिस कर्व। अब सबसे पहली बात तो आपको ये देखनी है कर्व का एरिया क्या है। जो कर्व के अंदर एक्स के ऊपर जो भी प्रोजेक्शन की जा रही है, इट मीन्स ये सारा एरिया इस कर्व का एरिया है, ये सारा एरिया ही कर्व है। सपोज वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, दिस इज एरिया ऑफ कर्व। कर्व के अंदर जो भी एरिया आ रहा है वो आपके पास ये रहेगा। अब इसको हमने कैसे फाइंड करना है, इसके लिए हमें क्या करना है, वर्टिकल स्ट्रिप को कंसिडर करते हैं। ठीक है, इस कंसिडर किया है इसकी यहाँ से थिकनेस को हम डी एक्स ले लेते हैं। क्लियर? अब जो आपके पास ये सपोज एक्स इक्वल टू ए पॉइंट है, दिस इज योर एक्स इक्वल टू बी पॉइंट है, आपके पास लिमिट लगेगी ए टू बी। अब जो हमारे पास यहाँ एरिया लिखा जाएगा, देखो हमने क्या करना है, इस छोटी सी स्ट्रिप का एरिया निकालना है, लिमिट लगा देंगे ए टू बी, तो ये आपके पास सारा एरिया कवर हो जाएगा। हर बार हमने ऐसे ही करना है, जैसे बहुत बड़े कोई एरिया हमें फाइंड करना है, हमने क्या करना है उसका छोटा सा पोर्शन कंसीडर करके उसको रेक्टेंगल कंसीडर करेंगे, हम उसका एरिया फाइंड करेंगे और लिमिट स्टार्टिंग से एंड तक की लगा देंगे, तो हमारे पास सारा एरिया कवर हो जाएगा। अब ए टू बी है, हमने रेक्टेंगुलर स्ट्रिप कंसीडर करी, ध्यान से समझना इसको, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप अगर हमने कंसीडर की है तो इसके एरिया कैसे निकलेगा, ये क्या है एफ एक्स, ये क्या है एफ एक्स, यू कैन से वाई, वाई की वाई लेंगे ना हम इसको, वाई वाई इज योर एफ एक्स, तो एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, वाई इंटू डी एक्स, और यू कैन से एफ एक्स इंटू कर्व इस तरह से। डाउन वाली कर्व को कंसिडर करूँ, तो अगर हम लिमिट लें ए से बी, तो इस तरफ के
वर्ड्स आ जाएगा जो कि हमारा रिक्वायर्ड एरिया। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या रहेगा आपके पास? लिमिट। ए टू बी हमने कंसिडर की, एफ एक्स माइनस डी एक्स इंटू डी एक्स, और इसको आप क्या कह सकते हो, ए टू बी यहाँ पे डी एक्स लगा है, वाई ऑफ अपर कर्व माइनस वाई ऑफ लोअर कर्व, वाई ऑफ अपर कर्व माइनस वाई ऑफ लोअर कर्व। आपको बताया है डी एक्स है तो यहाँ वाई का थीटा मानेगी, ठीक है ना, अपर कर्व का वाई माइनस लोअर कर्व का वाई। कंडीशन आपको कई बार ये पॉइंट ए एंड बी गिवन होंगे, कई बार नहीं गिवन होंगे, अगर गिवन नहीं है तो दोनों कर्व को यूज करके हम इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स निकाल सकेंगे। आप दोनों कर्व को यूज करके इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स निकाल लें तो आपके पास इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स आ जाएंगे। क्लियर? एक क्वेश्चन करते हैं, आप इसी के ऊपर बेस पर क्वेश्चन करते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है इस चैप्टर का कंसेप्ट,
ये आपको हायर क्लासेस में भी यूज होगा। पहले इसमें क्वेश्चन आते थे कि टू सर्कल्स आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, तो सर्कल की जब जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू वन है, सर्कल की इक्वेशन है। सर्कल की इक्वेशन में जब आपको एक्स निकालना था तो वन माइनस वाई स्क्वायर अंडर द रूट टाइप आ जाता था। तो यहाँ पे आपके पास ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाले फॉर्मूला यूज होते हैं, तो इस बार इन्होंने ये अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये तीनों फॉर्मूला जिन क्वेश्चन में यूज हो रहे हैं वो क्वेश्चन को सिलेबस से कट कर दिए, क्योंकि आपके पास पूरे इंटीग्रेशन में यही फॉर्मूला को कट किया है, तो जब ये फॉर्मूला ही कट होगे तो इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन भी कट होगे। मीन्स आपके पास स्ट्रेट अवे सर्कल्स की इंटरसेक्शन वाले क्वेश्चन कट गए हैं इस पर, तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। लेकिन आपने एक बार इन फॉर्मूलाज को माइंड में जरूर रखना है, और कोई भी एक सर्कल वाला क्वेश्चन कर लेना जो सॉल्व हो आपकी बुक के अंदर, एक सर्कल वाला कर लेना, बाई चांस आ जाए, वैसे तो आएगा नहीं, कोई चांस ही नहीं है कि आ जाए, फिर भी हमें तैयार रहना चाहिए। क्लियर, आगे क्वेश्चन करते हैं बेटा। जब पैराबोला के साथ आपके पास कोई नई आ जाती है, फाइंड एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एक्स स्क्वायर इक्वल फोर वाई एंड लाइन की इक्वेशन के आपके पास एक्स इक्वल फोर वाई माइनस टू, यही क्वेश्चन हमारे पास एक्स स्क्वायर इक्वल फोर वाई एंड लाइन है एक्स इक्वल फोर वाई माइनस टू। ठीक, आपके पास ये पैराबोला है एक्स स्क्वायर इक्वल फोर वाई, वाई की पॉजिटिव डायरेक्शन में है, ये बन गया पैराबोला एक्स इक्वल फोर वाई माइनस टू। अगर हम वाई को जीरो रखें तो एक्स कितना रहेगा, माइनस टू को मैं जीरो। अगर आप एक्स की वैल्यू को और कोई पॉइंट कंसिडर करो, वेन y इक्वल टू जीरो एक्स इज माइनस टू, वेन x इक्वल टू जीरो वाई इज वन बाई टू, तो यहाँ पे कहीं आ जाएगी ये लाइन, ऐसे आपके पास स्ट्रेट लाइन ऐसे बनेगी। अब मेन काम क्या करना है आपने, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स को फाइंड करना है। इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स को कैसे फाइंड करते हैं, पुट करते हैं हम यहाँ पे फोर वाई, इन दोनों इक्वेशन को यूज करेंगे। 4y की वैल्यू कितनी आ गई, x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इक्वल 0, कितना है आंसर इसका, माइनस 2x प्लस 1x माइनस 2 इक्वल 0, x माइनस 2 प्लस 1x माइनस 2 इक्वल 0, यानी कि यहाँ से आपके पास x की वैल्यू 2 आ गई और x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 2। जब x की वैल्यू माइनस 1 है यहाँ माइनस 1 रखते हैं तो कितना आ गया, माइनस वन प्लस टू हो गया वन बाई फोर, तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई वन बाई फोर, यानी कि ये वाला पॉइंट क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस वन हुआ वन बाई फोर। ठीक, जब एक्स की वैल्यू टू रखी हमने तो वाई की कितनी आ गई वन, यानी कि सेकंड वाला क्या है, एक्स की वैल्यू टू है और वाई की कितनी है वन। अब इसको क्वेश्चन को हम ध्यान से देखें, टू कर्व के अंदर का एरिया निकालते हैं। अगर मैं इस लाइन के अंडर के सारे एरिया में से ये कर्व के अंडर का एरिया माइनस कर दूं, इस लाइन के अंडर के सारे एरिया में से इस कर्व के अंडर का एरिया माइनस कर दूं तो रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा, है ना। मींस हमारे पास क्या आएगा, माइनस वन से टू वाई ऑफ लाइन माइनस वाई ऑफ पैराबोला इंटू डीएक्स, आपने ऐसे लिखना है y ऑफ अपर कर्व इज लाइन, लोअर कर्व इज पैराबोला, y ऑफ लाइन माइनस y ऑफ पैराबोला इनटू dx, करते हैं इसको। यहां पे लिखते हैं हम दोबारा से
दोबारा करते हैं इसको माइनस वन से टू वाई ऑफ लाइन, लाइन का वाई क्या है एक्स प्लस टू बाई फोर माइनस वाई ऑफ पैराबोला क्या है एक्स स्क्वायर बाई फोर डी एक्स वन बाई फोर बाहर लिख लेते हैं इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस एक्स क्यूब बाई थ्री लिमिट माइनस वन से टू। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास 9 बाई 8 स्क्वेयर यूनिट ये आंसर आएगा। आपको आना आई थिंक आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया अपर टर्म माइनस लोअर टर्म करने जब भी आपने इस टाइप के क्वेश्चन करने क्लियर। और करते हैं एरिया ऑफ द रीजन इंक्लूड बिटवीन आपको ये कराते हैं जिसे इकट्ठी आता है आपके पास। फाइंड एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल x स्क्वायर प्लस 2 y इक्वल टू x x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 3 y इक्वल टू x x इक्वल टू 0 x इक्वल टू 3। तो सबसे पहले ये देखते हैं इस टाइप का पैराबोला है एक्स स्क्वायर इक्वल वाई माइनस टू। तो फोर ए एक्स स्क्वायर आपके पास ये होता है एक्स स्क्वायर इक्वल फोर ए वाई। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं एक्स माइनस जीरो का स्क्वायर इक्वल फोर ए वाई माइनस जीरो तभी ओरिजिन पे होता है। अब यहाँ पे आपके पास एक्स तो जीरो पे है और वाई की जगह कितना है वाई माइनस टू यानी कि आपके पास जीरो कॉमा टू इसका सेंटर है। तो पैराबोला इस टाइप से जाएगा लाइक दिस y इक्वल टू x एक स्ट्रेट लाइन है जो ओरिजिन से पास करती है y इक्वल टू x y इक्वल टू x x इक्वल टू 0 क्या है दिस इज योर y एक्सिस x इक्वल टू 0 को रिप्रेजेंट करती है x इक्वल टू 3 सपोज ये 1 2 3 x इक्वल टू 3 ये लाइन मीन्स आपको ये एरिया फाइंड करना है मीन्स आपको ये एरिया फाइंड करना है क्लियर। आपके पास अभी एरिया क्या आ जाएगा बोलो 0 टू 3 लास्ट आपके पास ये है ना 0 टू 3 ये दिस इज योर 3 पॉइंट x इक्वल टू 3 है तो y कितना रहेगा 3 ही रहेगा। 0 टू 3 y ऑफ कर्व कितना है अपर में कौन सा है कर्व है y ऑफ कर्व क्या रहेगा x स्क्वायर प्लस 2 माइनस y ऑफ लाइन कितना है x इनटू में dx। तो इसको अगर हम सॉल्व करें x क्यूब बाय 3 2x माइनस x स्क्वायर बाय 2 और दिस इज योर लिमिट 0 टू 3। अब अपर लिमिट किया 3 3 से 9 3 से 27 बाय 3 3 टू द 6 माइनस 3 3 से 9 बाय 2 0 पुट करेंगे सारी टर्म 0 आ जाएगी आपके पास। तो इसको फर्दर हमारे पास सॉल्व करके आंसर आ जाएगा 21 बाय 2 स्क्वायर यूनिट। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे कहीं भाई जब ये लाइन ड्रॉ करते हैं बिना सोचे समझे इनको क्रॉस कर जाते हैं नहीं लाइन स्ट्रेट जाएगी। आप अगर इसको रफली जब भी बनाए ना 2 या 3 पॉइंट्स लेके भी आप बना सकते हैं ठीक है। आगे करते हैं जो क्वेश्चन और ट्राई करते हैं उसमें सर्कल वाले अगर हमारे कट हो गए ना इसका मतलब एक बहुत बड़ा पार्ट हमारा आंसर हो चुका है। करते हैं क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस टाइप के क्वेश्चन आने की मैं आपसे दे रही हूँ। ट्राइंगल के एरिया निकाल रहे हैं यूजिंग इंटीग्रेशन या तो फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल यूजिंग करते क्वेश्चन को पॉइंट से आपके पास ए पॉइंट है 2.5
बी पॉइंट है 4.7, सी पॉइंट है आपके पास 6.2। पहले तो ट्रायंगल में आते हैं, 0 एक्स का मैक्सिमम कितने 6, 2, 4, 6। वाई का मैक्सिमम कितने 7, 2, 4, 6, 8। इस टाइप से बना लिया हमने। वेरी फर्स्ट पॉइंट इज 2.5, दिस इज योर ए पॉइंट 2.5। पहले तो ट्रायंगल बना लेते हैं हम। सेकेंड वन इज 4.7, दिस इज योर 4.7 बी पॉइंट। सी पॉइंट इज 6.2 इज हियर सी 6.2। इनको ज्वाइन कर लें। Here we have triangle. तो हमने क्या करना है, इस ट्रायंगल के एरिया निकालना है, फाइंड करना है यूजिंग इंटीग्रेशन। 6 या 5 मार्क्स के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है इस साल के लिए, लेंथी होता है। अब देखो क्वेश्चन की टाइप क्या क्या हो सकती है। इस क्वेश्चन में आपको पॉइंट्स दिवन है, तो सबसे पहले काम आपको इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो हम एक काम करते हैं, ए बी की इक्वेशन बनाते हैं। इक्वेशन हो, आप देखो स्ट्रेट लाइन कैसे यूज हो रही है, 2.5 है, 4.7 है, या एक्स कोमा वाई ले लेते हैं। 2.4 लगेगी, वाई माइनस 5 बाई एक्स माइनस 2 इक्वल 7 माइनस 5 बाई 4 माइनस 2। तो वाई माइनस 5, 2/2 इज 1, एक्स माइनस 2, तो वाई की वैल्यू आ गई एक्स माइनस 2 प्लस 5, तो वाई आ गया आपके पास एक्स प्लस 3। ये क्या आ गई आपके पास इक्वेशन हो ए बी। क्लियर इक्वेशन हो बी सी एंड इक्वेशन हो ए सी, या आपने खुद फाइंड करनी है। मैं बता देती हूँ आपको, इक्वेशन बी सी की आ गई 5x + 2y - 34, 5x + 2y - 34 = 0। और एसी की इक्वेशन आपके पास आएगी 3x + 4y - 26, 3x + 4y - 26 = 0। हम एक काम करते हैं, ए बी की इक्वेशन को यहाँ लिख लेते हैं, x - y + 3 = 0। बी सी की इक्वेशन को लिख लेते हैं, 5x + 2y - 34 = 0। और एसी की इक्वेशन को यहाँ लिखते हैं, 3x + 4y - 26 = 0। हमने तीनों इक्वेशन लिखी, अब हम स्पेस बना लेते हैं क्वेश्चन को करने के लिए, आगे कवर करने के लिए। अब एक चीज समझना, देखो अगर हमारे पास पॉइंट्स गिवन थे, यहां से समझना इस चीज को, पॉइंट्स गिवन थे तो हमने पहले तो ड्रॉ किया और इक्वेशन बना लिया, ये हमारा 2 मार्क्स का काम खत्म हुआ अभी तक, हमने सारी इक्वेशन बना ली। लेकिन किसी क्वेश्चन में अगर आपको सिंपल इक्वेशन गिवन है, तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट आएगा, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट आएगा, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट आएगा। समझ में आ रही है, इस क्वेश्चन में इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स गिवन थे, इक्वेशन बनानी पड़ी। किसी क्वेश्चन में इक्वेशंस गिवन होंगी तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, पॉइंट्स निकालेंगे। क्लियर, उल्टे काम हो गए ना एक दूसरे के। अब जब हमारे पास यहाँ पे पॉइंट्स भी आने चाहिए और इक्वेशन भी आनी चाहिए, अब एरिया कैसे निकलेगा, देखो ये ट्रायंगल को यहाँ बना लो, इस साइड से देखो, अगर मैं इस लाइन के अंदर का एरिया निकालू, ये हमारे पास एंड पॉइंट है, इस लाइन के अंदर का एरिया निकालू, ये सारा एरिया आ जाएगा, इस लाइन के अंदर का एरिया निकालू, ये सारा एरिया आ गया। और मैंने इन दोनों एरियाज को ऐड भी कर दिया, ए बी सी, इट मीन्स वाई ऑफ ए बी प्लस वाई ऑफ बी सी में मेरे पास ये सारा एरिया आ गया। और अगर उसमें से मैं वाई ऑफ ए सी को माइनस कर दूं, उसमें से मैं वाई ऑफ ए सी को माइनस कर दूं, तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ किसका एरिया आ जाएगा, ट्राइंगल का। समझ में आ रहा है क्लियर पॉइंट, ए बी के अंदर का एरिया है दिस, बी सी के अंदर का एरिया है दिस,
करके देखते हैं हमने कैसे करना है। सीधा लिखते हैं, आपके पास क्या है सबसे पहले पॉइंट, टू टू फोर, टू से फोर वाई ऑफ ए बी इंटू डी एक्स प्लस फोर से कितना है सिक्स वाई ऑफ बी सी इंटू डी एक्स माइनस टू से सिक्स वाई ऑफ ए सी इंटू डी एक्स। ये आपके पास क्या आ गया, रिक्वायर्ड एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। आई थिंक क्लियर हो गया आपका कंसेप्ट। आपको वाई ऑफ ए बी क्या है, अब ध्यान से बताना चाहिए मुझे, टू टू फोर टू याद पड़ी हुई है, वाई ऑफ ए बी कितना रहेगा एक्स प्लस थ्री प्लस वाई ऑफ बी सी। यहां से देखते हैं वाई ऑफ बी सी क्या रहेगा, टू वाई किसके इक्वल है, थर्टी फोर माइनस फाइव एक्स, तो वाई किसके इक्वल है, सेवनटीन माइनस फाइव बाई टू एक्स। तो आपके पास यहाँ क्या रहेगा, टू फोर टू सिक्स सेवनटीन माइनस फाइव बाई टू एक्स इंटू डी एक्स माइनस टू टू सिक्स ए सी का वाई क्या रहेगा, फोर वाई इक्वल ट्वेंटी सिक्स माइनस थ्री एक्स, तो कितना आ गया ट्वेंटी सिक्स बाई फोर यानी कि थर्टीन बाई टू माइनस थ्री बाई फोर एक्स डी एक्स। क्लियर, अब यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करते हैं, एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस थ्री एक्स टू से फोर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट सेवनटीन एक्स माइनस फाइव एक्स स्क्वायर बाई फोर फोर टू सिक्स माइनस थर्टीन बाई टू एक्स माइनस थ्री बाई एट एक्स स्क्वायर लिमिट इज टू टू सिक्स। अब आपने क्या करना है, सिर्फ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करनी है और आपके पास जो आंसर है वो बता रहे थे मैं आपको, सेवन स्क्वेयर यूनिट आ जाएगा, सेवन स्क्वेयर यूनिट। इसको सॉल्व करेंगे जब आप, तो आपके पास आंसर सेवन स्क्वेयर यूनिट आ जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट एरिया बिटवीन द कर्व। सिंगल कर्व आ जाए तो टू मार्क्स का क्वेश्चन आता है, अगर डबल कर्व का काम आ जाए जैसे डबल कर्व ही हो गई इसमें तो थ्री कर्व्स यूज हो गई थ्री लाइंस, अगर सिंगल कर्व है तो टू मार्क्स के लिए रहेगा क्वेश्चन, अगर डबल कर्व आ जाए एरिया बिटवीन टू कर्व्स आ जाए बिटवीन अ कर्व एंड अ लाइन आ जाए तो आपके पास फोर या फाइव मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता है। तो ये कंसेप्ट को करने में आपने टू डेज कम से कम आपने इस कंसेप्ट को देने हैं, ध्यान से करना है, हर क्वेश्चन ट्राई करना है, सिर्फ ए स्क्वेयर माइनस बी एक्स स्क्वेयर अंडर द रूट वाले टाइप को छोड़ के। क्लियर।